चार राज्यों की सीमाओं से जुड़ा उत्तर प्रदेश के जनपद सोनभद्र में रिजर्व पुलिस लाइंस चुर्क में बुधवार दिनांक 17 जनवरी को आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के तहत अंतर्राज्यीय सीमा समन्वय गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में सुरक्षा एवं सतर्कता पर विशेष ध्यान केंद्रित करना था, जिससे कि निष्पक्ष एवं लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव कराया जा सके तथा साथ ही किसी भी प्रकार की असंवैधानिक गतिविधियों को निष्क्रिय एवं निष्फल किया जा सके। ज्ञात हो 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होना है, जिसे लेकर अधिकारियों में भी एक उत्साह बना हुआ है तथा सभागार में IPS राम कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक ADG वाराणसी परिक्षेत्र ने ईस्ट कोर मीटिंग में पहुंचे सीमावर्ती राज्यों एवं जनपद के आला अधिकारियों को शुभकामनाओं के साथ भव्य राम मंदिर का मॉडल उपहार में दिया तथा सभागार में उपस्थित सभी आला अधिकारियों का सम्मान एवं स्वागत किया, जहां अपर पुलिस महानिदेशक ADG वाराणसी परिक्षेत्र राम कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला, देखें ये खास रिपोर्ट। जो बॉर्डर मैनेजमेंट है, उस बॉर्डर पर हम लोगों को जो कंट्रोल करना होता है, असलहे की तस्करी, शराब की तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी और साथ ही साथ जो मार्गों पर जो बैरियर बनाने होते हैं, उन सबको लेकर के जो भी समस्याएँ या फिर और भी कोई मुद्दे जो उठाना चाहते हैं, उसको लेकर के हम लोगों ने मीटिंग की है और हर चीज़ को अच्छे से डिस्कस किया है, उसका समाधान निकाला है। इस मीटिंग में बिहार के, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, यहाँ के IG और ADG साहबान आए थे और साथ ही साथ उनके DIG साहब भी थे और संबंधित जनपद जो हमारे बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र और इसके अलावा मिर्ज़ापुर, इन डिस्ट्रिक्ट्स के जो बॉर्डरिंग जो SPs हैं वो लोग भी आए थे, तो उन सब ने भी पार्टिसिपेट किया, अपनी अपनी बातों को बताया और उसके समाधान निकाले। थैंक यू वेरी मच।